बिल्लू और भविष्य फल। एक दिन जब बिल्लू रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसकी नजर उदास बैठे बजरंगी पर पड़ी। बजरंगी, उदास क्यों बैठे हो? ज्योतिषी ढपोर शंख ने काशी से मेरे नए साल का भविष्य फल भेजा है। क्या लिखा है? अरे यही तो रोना है, अखाड़े के सारे दाव पेच पूछ लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई अपने लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? भविष्य फल मैं पढ़कर सुना देता हूँ, इधर लाओ। बिल्लू भविष्य फल को हाथ में लेकर पढ़ता है। अरे तुम तो बड़े खुश नसीब निकले। अच्छा? हाँ, लिखा है साल के 365 दिन तुम्हारे लिए अति शुभ हैं। इस दौरान तुम्हारा बाल भी बाका ना होगा। अरे, बजरंगी खुशी के मारे दौड़ लगा देता है। सुनो बजरंगी। बस इतना ही काफी है। बजरंगी आगे आगे और बिल्लू पीछे पीछे। रुको, साल के पूरे 365 दिन मेरी मुसीबतें टली रहेंगी। खतरा। बजरंगी बचो, अब मुझे खरोज भी नहीं आ सकती। तभी ऊपर से गिरता हुआ कंटेनर बजरंगी के ऊपर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद अस्पताल में। बजरंगी, ये साल तुम्हें अस्पताल में बिताना पड़ेगा, हिलना ढुलना नहीं। बिल्लू बजरंगी से मिलने आता है। चूहे तू। मैं ये कहना चाहता था बजरंगी कि 1984 लीप ईयर है, यानी इस साल में 366 दिन है। एक दिन बचा, वो इस भविष्य फल के अनुसार तुम्हारे लिए अशुभ है, और वो आज का ही दिन था।